हेलो एवरीवन, आज मेरे कॉलेज लाइफ का लास्ट एग्जामिनेशन है। डेट विल मीन आई विल बी ग्रेजुएटेड आफ्टर दिस। सो आई हैव डिसाइडेड टू डॉक्यूमेंटाइज दिस होल डे एंड मेक अ व्लॉग। मेरी प्रिपरेशन तो पूरी हो चुकी है, ये मेरा एडमिट कार्ड है एंड नाउ आई विल लीव फॉर कॉलेज। मेरे को आज 2 घंटा पहले बुलाया गया क्योंकि मेरे इंटर्नशिप लेटर्स में कुछ प्रॉब्लम थी। सो आई विल सॉर्ट दैट आउट, बट यू हैव टू एन्जॉय। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पीपल। तो अब हम कॉलेज पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हमें पांडा सर दिख गए, तो शुरुआत उनसे ही करते हैं। आज एग्जाम खत्म एंड द फ्यूचर इज रिकॉर्डिंग फॉर यू एंड आई होप दैट योर फ्यूचर विल बी ग्रेट एंड प्रॉस्परस एंड यू ऑल डू गुड फॉर योर फ्यूचर एंडेवर यू विल बी सक्सेसफुल इनफ एंड मोर देन दैट आई वांट टू से दैट अनमय शास्त्री हु इज शूटिंग नाउ द वीडियो इज अ वंडरफुल बॉय एंड हु इज अ वंडरफुल क्रिएटर इज अ वंडरफुल wonderful artist and I really follow him even in the Instagram and I always follow and always search for him in the university. Whenever I stand down in the university, I always find they are really creative, they are really energetic, they are enthusiastic, they are very spontaneous and they are the role models for the future generation. Thank you very much for tolerating me as a teacher, bearing me as a teacher and I love you all. I miss you all. Thank you. Recorder hai kya? Dekha. इतने जल्दी स्पेशली पर्टिकुलर ऐसे किसी को मिस नहीं किया जा सकता, सभी अपने हैं, सबको मिस करेंगे। और पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, मज़ा आया और अच्छा था। विल मिस एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अनाम है, ये रागिनी है, मैं इसको सबसे ज़्यादा मिस करूँगी क्योंकि मैं हमेशा इसको हर टाइम जब मैं बिजी रहूं या पढ़ाई रहे चाहे ना रहे हमेशा इसको कॉल करती हूँ, हमेशा ऑल टाइम डिस्टर्ब करने के लिए भी। सर सीरियसली मैं इसको कॉल करती हूँ। अब हम जा रहे हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर जो कि है बायोटेक्नोलॉजी बिल्डिंग। तीन साल हमारे ऐसे बीते जैसे जन्नत थे, मगर था तो ये हकीकत में एक जहन्नुम जैसा, मगर हमने आके इसे जन्नत बनाया। ये मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, सबको दिल से दुआ है, सब आगे बढ़े, जहाँ भी रहे सब खुश रहे। एंड आई एम रियली गोना मिस एवरीवन। अरे मैं भयंकर खुश हूँ यार, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, हम सब लोग ग्रेजुएट होने वाले, आज हम लोग का लास्ट डे है। वैसे तो मैं शर्ट फोल्ड करने में थोड़ा बिजी हूँ लेकिन स्टिल। जैसा अलग नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग ऐसे तो नहीं है कि अभी जब जैसा कि हम लोग जान रहे मास कम्युनिकेशन मास मीडिया की दुनिया में हम लोग ऐसे तो नहीं है कि बिछड़े रहेंगे और अलग रहेंगे। ग्रेजुएशन के बाद सबसे मिलना चाहूँगा, खास करके अनामाएँ और जो भी सबसे मिलना चाहूँगा। और राम रहीम जैसे दिखने वाले मेरे यहाँ क्लासमेट मेरे को मिले जिनको आप देख सकते हैं, जो कि हमारे जॉबी भाई इधर कैमरा घुमाएंगे ये हमारे जॉबी भाई जो कि आई एम द लव चार्जर के सिंगर है। हाँ, ये लड़की ये जो है ये जैन लड़की है, रौनक दुग्गड़ नाम है इनका, और ये बहुत ही बेहतरीन छोले भटूरे खाती है। तो जीजू से
जीजीओ से निकलने के बाद ये हो सकता है रेस्टोरेंट भी खोल ले कहीं पे, तो आप, मैं बोलना चाहूँगा कि ज़रूर वहाँ पे जाएँ इनका छोले भटूरे खाने। और पिज़्ज़ा तो मैंने नहीं खाया कभी हाथ वाला, पर हाथ वाला छोले भटूरे खाया हूँ जो बहुत मस्त बनाती है। तो यार बहुत ही मस्त था तीनों साल, जो कि सारा साल रूपो के साथ गया था मेरा। यार अरे कुछ नहीं है, अपनी है, बोलना। बीजेएमसी में 3 साल हमारे साथ पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? चार साल, क्योंकि 1 साल थोड़ा ट्रेजेडी हो गया था इनके साथ में। तो कहाँ से शुरू करूँ मैं? हाँ, 3 साल का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे दोस्त मिले, जो कि 2 साल तक तो केयर किए लेकिन 3रे साल में गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। और डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन हम कहीं जा नहीं रहे, यहीं पे है फिलहाल। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे मित्र हैं, जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं, सब मेरे साथ इतने 3 साल मेरे साथ रहे हैं, तो उन सबको मैं एकदम दिल से ना, मतलब फैमिली जैसे रहे हैं, ऐसा फील हुआ है। तो नहीं नहीं, और बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग 3 साल में इतने, मतलब एक साथ आए थे कॉलेज में, फिर एक साथ निकले हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जो है एग्ज़ाम चल ही रहा है, हम सब पेपर दिला के निकल चुके हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे भुरु पांडे जो हैं, वह पेपर दिला के निकल चुके हैं। साइबर जर्नलिज्म का आज पेपर था और ये बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। मैं जीजीयू में जगत मामा के नाम से जाना गया। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और आज मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। बस भाई, तुम जैसे दोस्त मिले, हरामी। मैं भी हरामी। और सौरभ पांडे मेरा काफ़ी अच्छा मित्र रहा, उसके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कॉलेज नहीं आने के लिए। सबको काफ़ी अच्छा, हाँ सबके लिए काफ़ी अच्छा आइकॉन बना सौरभ पांडे। अच्छा ठीक है पूजा, तेरे को कैसा लगा पहले इस साल से लेके आज? 3 साल बीत गए यहाँ पे कॉलेज में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आर सच्चा है साइकल नॉर्मल में। भाई बढ़िया रहा, बहुत मजा आया, 3 साल अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई किए, बस घूमो फिर रेस्ट करो, गुटखा खाओ। हम सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, हम यहाँ से ग्रेजुएट की डिग्री लेके जा रहे हैं, एक ऐसा ज्ञान जो भारत के कोने कोने में जाके फैलाएंगे, भविष्य में झंडा गाड़ेंगे हम, झंडा गाड़ेंगे। खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहां, हम काफिरों को खुदा। Thank you.
कॉलेज में एक समय ऐसा था जब मुझे लग रहा था यहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं है, और एक समय ऐसा आया जब मुझे एक्स्ट्रा अपने मिल गए। मुझे यहाँ सिर्फ दोस्त नहीं मिले, मुझे यहाँ अपना परिवार मिल गया। I am ready to go anywhere, I'm ready for the fate.